हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। हम एक्चुअली कल हमारे साथ ऐसा हुआ कि हम 12 लाचा तक पहुंच गए थे, बट वहां पहुंचते पहुंचते मेरी वाइफ और बच्चों की थोड़ी तबीयत खराब होने लग गई थी। वाइफ का एक्चुअली उसने आपने देखा होगा कि पहले वाले ब्लॉग में वो बार बार बोल रही थी कि आज तो मेरा फास्ट है, मैंने कुछ नहीं खाया, ये लोग पराठे खा रहे हैं। हुआ क्या, उसके फास्ट की वजह से उसको बीपी लो हो गया, और जैसे ही हम 12 लाचा पहुँचे तो वो कहते कि मुझे चक्कर आ रहे हैं तो मैं आगे ट्रैवल नहीं कर पाऊँगी। तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हम वापस आ गए। हम जिस्पा में रुकने लगे थे तो हमें था कि नेक्स्ट डे हम जिस्पा से फिर लेह की तरफ निकल जाएंगे, बट हमारा प्रोग्राम बना नहीं किसी वजह से, तो हम फिर वापस मनाली आ गए। तो हमें लगा यार कि हम कल सुबह 10:30 बजे चले थे, रात को 10 बजे फिर से मनाली आ गए, और हमारे 12 घंटे की ड्राइव का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ऑल दो हमने एंजॉय बहुत किया, नो डाउट, पर फिर अभी हम सेकंड अटेम्प्ट करेंगे। हमने हार नहीं मानी है, हम आज थोड़ा मनाली लोकल घूम के, और क्योंकि अब हमें एक्लेमेटाइजेशन का असली महत्व तो पता चल चुका है, तो हम क्या करेंगे, अभी हम मनाली में हैं, मनाली में लोकल साइट सीइंग करेंगे, हिडिंबा माता टेम्पल जाएंगे, उसके बाद जाएंगे जिस्पा, जिस्पा में स्टे करेंगे, और फिर कल हम जिस्पा से आगे ट्रैवल करेंगे। तो हमारा इससे एक दिन एक्स्ट्रा लग जाएगा हमारे ट्रिप में, बट फिर भी सेफ्टी फर्स्ट। और अभी हमने माल रोड के पास इस बार दूसरा होटल लिया था, इसका नाम है होटल स्नो ड्रॉप, और ये है जो बिल्कुल मनाली में तिब्बतन मार्केट के पास जो मोनेस्ट्री है उसके बिल्कुल सामने है। इनकी पार्किंग भी अच्छी खासी है, तो मैं आपको एक बार रूम टूर करा देता हूँ। देखिए हम रूम टूर करें, आप एक प्यारे से बनी को देखो, ये यहाँ पे घूम रहा है, और एक ये संतरा मेरा ऑरेंज। हेलो हेलो करो शिवन्या, नहीं मना ही कर दिया। तो ये हम रूम दिखाते हैं आपको, ये एंट्री करते हैं, इधर छोटी सी वार्डरोब है, ये वॉशरूम, लाइट्स ऑफ, ये वॉशरूम है, गीजर वीजर सब कुछ लगा हुआ है, सफिशेंट था। और ये है मिरर, ड्रेसिंग टेबल, ये टीवी, ये है बेड, और यहाँ पे ब्रेकफास्ट और डिनर कुछ करना हो बैठ के, खाना पीना वो कर सकते हैं। यहाँ पे है बैल्कनी, बैल्कनी दिखाता हूँ, ये है बैल्कनी, और वो सामने है मुनिसिपल, बिल्कुल इसके ऑपोजिट है, कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं। और यहाँ पे काफ़ी सारे होटल्स हैं वैसे, बट इस होटल का मुझे पता था यहाँ पे अच्छे रेट पे हमें रूम मिल जाएगा, तो हमें मिल गया ये 1000 रुपये में एक रूम। हमने 2 रूम लिए, एक काजल और रमन के लिए, एक हमारे लिए। हाँ जी, क्या हुआ, ये देखो शैतानिया, देखो क्या है, ये क्या है, कहाँ, क्या है ये। अब हम हिडिंबा टेम्पल जाएंगे, और उसके बाद जिस्पा जैसे मैंने पहले बताया, और उसके बाद आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे कल, और आज शाम को हम जिस्पा में ही खाएंगे मैगी, जो काजल काफ़ी देर से वेट कर रही है जिसका, कि मुझे मैगी बनानी है, जिसके लिए हम सिलेंडर लेके घूम रहे हैं इतने दिन से। तो ठीक है, मिलते हैं, अभी हम जा रहे हैं हिडिंबा टेम्पल। हम पहुंच गए हिडिंबा टेम्पल, पार्किंग हमने गाड़ी लगा ली, और हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ जा रहे हैं सीधे चढ़ के। इस वाली पार्किंग में हम पहली बार आए हैं, पहुंच गए हैं हिडिंबा टेम्पल फाइनली, खाना पीना खा पी के पहुंच गए, अभी दिखाता हूँ। हिडिंबा माता का टेम्पल, हम जिस रास्ते से आए हैं इस बार से हम पहली बार आए हैं, हर बार हम फ्रंट में पार्किंग करते हैं, इस बार बैक साइड से नया रास्ता लग रहा था, बट आंटी कह रहे कि नया नहीं है। ते
जय माँ हडिंबा, मंदिर खुला है। रुद्रम ने अभी क्या किया? अभी हम मंदिर पे हैं। अच्छा, क्या किया आपने? जय माता की? हाँ। जोर से बोलो, जय माता की। हाँ, हमने मत्था टेक लिया है हडिंबा टेंपल, अब हम परिक्रमा कर रहे हैं। लोग यहाँ पे हिमाचली ड्रेस डाल डाल के फोटोज खिंचा रहे हैं। वो है, चलो रुद्र, वन विहार। वहाँ की टिकट लगती है, पीछे जंगल में जाए, एक जंगल वॉक बना हुआ छोटा सा, अच्छा है देखने के लिए, थोड़ा वॉक हो जाती है अच्छी सी। तो अब हमने यहाँ दर्शन तो कर लिए, अब हम जाएंगे, नेक्स्ट स्टेशन है हमारा जिस्पा। इधर से चले, सो दैट हम अपनी जर्नी ले की जो है उस पर सेकेंड री अटेम्प्ट कर सकें। री अटेम्प्ट क्या, हमें भरोसा है कि हम कर लेंगे इस बार। तो आज रुकेंगे जिस्पा, जिस्पा के बाद फिर कल जिस्पा से आगे देखेंगे कितनी आगे तक जा सकते हैं। जंगल देखो कितना प्यारा है, यहाँ सुकून बहुत है। चलो अभी रोड हिट करते हैं और मिलते हैं आपको अपनी टाटा पंच में ऑन द वे टू जिस्पा। तो हम पहुंच चुके हैं जिस्पा में और हमने रूम ले लिया है, 2000 का रूम मिला हमें, बट रूम अच्छा है। और टेंट्स तो यहाँ पे काफ़ी हैं, कैंप्स और रिवर साइड पे हैं, बहुत अच्छे हैं, पर हमारे साथ बच्चे हैं तो हमने कैंप नहीं लिया क्योंकि उसमें ठंड बहुत होती है। तो हमने प्रॉपर रूम लिया है, 2000 का मिला, आईबेक्स होटल है, इसके सामने भी रिवर व्यू फ्रंट है। और अच्छी बात यह है कि जिस्पा में नेटवर्क आता है, यहाँ से थोड़ा आगे अगर हम जाते हैं 8-10 किलोमीटर, जैसे दारचा तक नेटवर्क आता है, उसके बाद नेटवर्क नहीं आता। और नेटवर्क भी प्रीपेड सिम है तो हमारे आगे जाके नेटवर्क आएंगे भी नहीं। तो आज day 3 हमारा जिस्पा में और हम करेंगे सेकेंड अटेम्प्ट ले जाने का। तो अभी मैं आपको रूम का टूर देता हूँ। ये है हमारा रूम, ये यहाँ पे वॉशरूम है और ये बेड, ये हमारे लिटिल चैंप्स शिवन्या एंड रुद्र। हेलो हेलो, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? ठीक लग रहा है? रूम अच्छा लगा? हाँ? रूम अच्छा लगा, ओके। रुद्र को तो पसंद आ गया। ये चेयर्स लगी हुई हैं, गर्म पानी, कैटल वेटल सब कुछ है। ये ड्रेसिंग टेबल, टीवी है बट टीवी में कनेक्शन नहीं है, ऑल्दो वाईफाई है इनके पास, वाईफाई इन्होंने हमें दे दिया। तो ओवरऑल एवरीथिंग लुक्स गुड। हम फिर day 4 को यहाँ से स्टार्ट करेंगे ले के लिए, और हमने पता कर लिया यहाँ के होटल स्टाफ से कि अगर हम सुबह स्टार्ट करते हैं 6 बजे तो शाम को हम 5-6 बजे पहुँच जाएंगे। और अगर वो तो सजेस्ट कर रहे थे कि आप 8 बजे तक निकलो, आप तब भी शाम को वहाँ ले में पहुँच जाओगे डायरेक्ट। तो यहाँ से 7-8 घंटे की ड्राइव है, 320 किलोमीटर्स रह गए यहाँ से। अब देखते हैं आगे के, और आज हमने कोई भी व्यू ज़्यादा कैप्चर नहीं किया क्योंकि कल हम सेम रूट पे तो आए थे, तो हमने कुछ भी कैप्चर नहीं किया। अब हम जो कैप्चर करेंगे 12 लाचा और 12 लाचा से आगे का कैप्चर करेंगे। तो मिलते हैं फिर day 4 वाले ब्लॉग में। स्टे ट्यून्ड, हर हर महादेव।